नमस्कार दोस्तों, दिव्य दृष्टि ज्योतिष भवन में मैं पंडित माणिक भारद्वाज शास्त्री आप सभी को दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपको बताता हूँ वीडियो के माध्यम से हर आपके प्रश्न का उत्तर उपाय। आज का विषय है हमारा नवरात्रों में शादी विवाह रिश्ते की जो बाधा जीवन में आती है बच्चे की, बहन के, भाई के, उनकी बाधा दूर करने के लिए उपाय। आप नवरात्रों में श्री सूक्तम का पाठ करते रहें, जो विवाह की बाधा है वह दूर हो जाएगी। बड़ा सरल उपाय है। या दूसरा उपाय ये है, आप दुर्गा सप्तशती का हिंदी में पाठ कर सकते हैं। बड़ा सरल उपाय है। और उपाय टोटके अगर करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। 5 गोमती चक्र, 5 हल्दी की गांठ, 5 सुपारी, 5 कोड़ियाँ, थोड़ा सा हल्दी, अक्षय चावल, 5 गुलाब के पुष्प व 5 सिक्के तांबे के, या फिर 1-1 रुपया ले लें। इस प्रकार आप लेकर लाल वस्त्र में बांधकर पहले दिन नवरात्रि को पूजा स्थल में रख दें और 9 दिन तक या 8 दिन तक जब तक आपकी उपवास चलता है या उपवास नहीं करते, पूजन चलता है, तब तक उसको रखा रहने दें। उसके बाद आप उसको जल प्रवाह कर दें 9 दिन के बाद या 8 दिन के बाद। कन्या पूजन के बाद आपके विवाह की बाधा 100% दूर होगी। इतना आप कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें। अन्य वीडियो में आपको उपाय मिलते रहेंगे।